मॉर्निंग गाइस, आज फिर से एक नया टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है जिसके पाथ को ही हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मींस किसी भी अगर फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को डालते हैं यूनिट चार्ज, तो उसके मूवमेंट का जो पाथ ट्रेस होता है, जो पाथ होते हैं, उसी पाथ को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, इसके बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत ज़्यादा डिस्कशन कलेक्ट करने के लिए, नॉलेज कलेक्ट करने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डील कर रहे हैं। द पाथ ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। फिर से बोल रहा है, एक ये इमेजिनरी लाइन है, बस एज्यूम किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ काम के हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है, इट इनिशिएट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलरली। मींस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट कर जाएंगे, लेकिन इनिशिएट भी करेगा परपेंडिकुलरली और टर्मिनेट भी करेंगे परपेंडिकुलरली। जैसे एक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो भी चीज निकलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वो परपेंडिकुलर भी निकलेंगे कुछ ऐसे। हम इस पे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, मतलब समथिंग कुछ टेंजेंशियल या किसी और एंगल पे। हमेशा जानते हैं किसी भी स्फीयर से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो रेडियल होते हैं, मींस रेडियल डायरेक्शन में आगे निकलेगा। और अगर कहीं से नेगेटिव चार्ज है तो उस पे कहीं से ना कहीं फील्ड आकर के टर्मिनेट कर रहे होंगे, लेकिन ये भी सरफेस पे आएंगे परपेंडिकुलर ही। इस तरीके से ये रहा इसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं, इट नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप इन द सेंस, जैसे हम बात करें, अगर समथिंग कोई चीज यहां से निकला और यहां से ऐसे निकल के जा रहे हैं, ये क्लोज लूप नहीं है। इधर से इनिशिएट होकर यहां खत्म हुआ और इधर से इनिशिएट होकर यहां। मीन्स मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से इनिशिएट होकर निगेटिव पे टर्मिनेट हुआ, बट इस चीज को हम क्लोज लूप नहीं बोल सकते हैं। यहां से भी इनिशिएट और यहां टर्मिनेट हुए, क्लोज लूप तब बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहां से ये ऐसे कुछ निकला, यहां ऐसे गए और ऐसे रिटर्न आ गए, देन इस फिगर को हम बोल सकते थे कि ये क्लोज लूप है, और क्लोज लूप इसी को बोलते हैं। हाँ, अगर से अगर बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, वो क्लोज लूप बनाता है। मीन्स वो नॉर्थ पोल से ऐसे निकल के साउथ पोल में जाते हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाते हैं, एंड फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं, तो वहां क्लोज लूप बनता है। करेंगे डिस्कशन बाद में, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज फॉर्म नहीं बनाता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होकर निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? आगे क्वेश्चन के माध्यम से सही करा रहे हैं, पूरा प्रॉपर्टी पहले कर ले। टू फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब ऐसे और ऐसे दो फील्ड लाइन आपस में कभी कट कर ही नहीं सकते। ये गलत फिगर हो गया हुआ। नेक्स्ट, देयर इज अ टेंशन इन इट। उस लाइन के बीच अपने आप में एक टेंशन होता है, तनाव होते हैं। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी
point on the field line then direction of tangent gives the direction of electric field intensity. Means अगर कहीं भी किसी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना हुआ है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें वो टेंजेंट दिखाएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. जैसे यूं कीजिए कि मेरे पास एक इस शेप का कोई फील्ड लाइंस है. डेफिनेटली हम ऐसे डायरेक्शन दिखाएंगे मतलब इधर प्लस होगा उधर माइनस होंगे उससे मुझे मतलब नहीं है. फिलहाल मान लो मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे होंगे इस फील्ड लाइंस के कारण. जस्ट मान लो कि पॉइंट ए है जस्ट इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ये डायरेक्शन दिखाएगा तो दिखा रहा है इंटेंसिटी एट पॉइंट ए. मान लो उसके बाद यहाँ से आकर के ये पॉइंट कुछ ऐसे घूम गए होंगे. हम इस पॉइंट पर बी पर निकाल रहे इंटेंसिटी डायरेक्शन. बी पॉइंट पर ड्रॉ कर दो टेंजेंट ये दिखाएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट बी. ध्यान रहे टेंजेंट हमेशा ड्रॉ करेंगे अलोंग द डायरेक्शन. अगर ऐसे फील्ड लाइन दिखा रहे हैं मीन्स टेंजेंट इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे इधर ना कर देंगे बी इधर की तरफ. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का डायरेक्शन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा होता है. नेक्स्ट नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर. ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के अंदर ही कभी एग्जिस्ट नहीं करता है. कारण है कि कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी जीरो होता है. जहां इंटेंसिटी जीरो होते हैं वहां पर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इट नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर किसी भी मेटल के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज. मतलब अगर किसी भी चार्ज से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं मतलब उस चार्ज के स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ज्यादा वैल्यू का चार्ज होगा. जैसे मान लो कि मेरे पास एक कुछ क्यू1 है हम इस तरीके से कुछ काउंट करके छह लाइन बाहर निकाल दिए और कोई दूसरा चार्ज Q2 है इसमें मान लीजिए कि हम समथिंग कुछ चार फील्ड लाइंस अंदर दिखाता हुआ जाता हुआ दिखा रहा है. इसका मतलब क्या दिखाना चाह रहा है. पहली बात कि ये क्योंकि इनिशिएट होकर बाहर जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है. Q1 एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और Q2 एक नेगेटिव नेचर का चार्ज है. लेकिन मैग्नीट्यूड भी Q2 का कम है क्योंकि Q2 पे चार ही लाइन में दिख रहे हैं और इस पे छह है. मतलब यहाँ क्लियरली हम कह सकते हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा. ये अलग बात है कि Q2 नेगेटिव चार्ज होंगे क्योंकि यहाँ टर्मिनेट हो रहा है. Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है. तो ये कह रहा है कि कहीं भी फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है वो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि उसके स्ट्रेंथ कितने हैं. क्लियर. तो यही 6-7 इसके प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं. अब एक क्वेश्चन के माध्यम से कर लो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Why two field lines never exist? पहले समझिए क्या है. जैसे मान लो कि हम पहले दो फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करवाते हैं. एक फील्ड लाइन ये दूसरा फील्ड लाइन ये हम इस दोनों को आपस में पहले किसी एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करवा दिए.
ये इधर से निकल के इधर जा रहे थे और इधर से निकल के समथिंग कुछ इधर जा रहा था। तो कॉमन जो पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देखो तो पहले वाले कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो समथिंग कुछ ऐसे दिखाएगा, और दूसरे वाले कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये समथिंग कुछ ऐसे दिखाएगा। मींस ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ए, और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ए। सिंगल पॉइंट पर डबल डायरेक्शन इम्पॉसिबल, सिंगल पॉइंट पे डबल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसी कारण कहते हैं कि दो लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। इसको आप लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो तो लिख सकते हो, सिंस टेंजेंट एट एनी फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू टेंजेंट एग्जिस्ट, दो टेंजेंट बिल्कुल एग्जिस्ट कर जाएंगे, एंड एट अ सिंगल पॉइंट इट इंडिकेट द टू डायरेक्शनल इंटेंसिटी विच इज इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस लैंग्वेज को आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, हम इस लैंग्वेज को लिख नहीं रहे, लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लो। विच फील्ड लाइंस करेक्टली ड्रॉन इन गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में कौन सा फील्ड लाइंस करेक्टली ड्रॉ किया गया है। हमें कह रहे हैं कि ये मेटालिक स्फीयर है, एक ये मेटालिक स्फीयर है, अलग अलग हम चार फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट फील्ड लाइन, सेकेंड फील्ड लाइन, थर्ड एंड फोर्थ। डिस्कस करना है कि जो इंडिकेशन दिया हुआ फील्ड लाइन का जिस शेप में, ये कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज ध्यान देना कि कभी भी स्फीयर पर मुझे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो डायरेक्शन हमेशा रेडियल डायरेक्शन होते हैं, रेडियल डायरेक्शन ही सर्फेस पे परपेंडिकुलर होता है। पहला फील्ड लाइन के बारे में क्या ख्याल है, गलत है सही है? एक ये फील्ड लाइन गलत फील्ड लाइन है, क्यों, कॉज क्या है? एक चीज देखो, यहाँ मेटालिक स्फीयर कहीं ना कहीं वो एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हम इसको एग्जिस्ट करवाए हैं, कंडक्टर के अंदर कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, कंटिन्यू लाइन मतलब हम एग्जिस्ट करवाए हैं, इस कारण ये गलत है। और सरफेस पे परपेंडिकुलर भी नहीं है, अगर परपेंडिकुलर होता तो और रेडियल डायरेक्शन में होते। दूसरा, हाँ चलो एक चीज़ तो अच्छी बात है कि कहाँ यहाँ पर फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट नहीं किया है, फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट नहीं किया है ये तो सही है, बट सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होता तो रेडियली यहाँ पर इन करता एंड रेडियली कुछ निकल के भागते, मींस ये भी गलत है। हाँ ये सही है, फील्ड के अंदर सॉरी मेटालिक स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, एंड चूंकि ये इसका सेंटर है, सेंटर मतलब रेडियस से होते हुए निकल रहा है, मींस ये परपेंडिकुलर इन हो रहा है परपेंडिकुलर आउट हो रहे हैं, यहाँ से देखो समथिंग कहीं से घूमते हुए आ रहा बट सरफेस पे टच करते करते हो गया रेडियल डायरेक्शन में, एंड देन वापस सरफेस से निकल करके रेडियल डायरेक्शन में भागा है, मीन्स अंदर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं और परपेंडिकुलर इन एंड आउट हो रहा है, मतलब ये भी सही है। एक बार फिर से, पहला गलत क्यों है, मेटल के अंदर एग्जिस्ट किया है परपेंडिकुलर नहीं है, दूसरा गलत क्यों हुआ है, सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है, एक बात अच्छी है कि कम से कम यहाँ पर इन एग्जिस्ट नहीं किया है, तीसरा सही है अंदर एग्जिस्ट भी नहीं किया है और सरफेस पे परपेंडिकुलर चुकी है सेंटर से क्रॉस कर रहा है, चौथा भी सही है अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट सेंटर से, हालांकि ये कैसे आ रहा है घूमते फिरते लेकिन सरफेस पे आते आते हो जा रहा है परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करवा सकते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, डील कीजिए जो भी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से एमकेडिम से कहीं से क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्वेश्चंस फंसता है
कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट करके हम सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बना देंगे, एक न्यूमेरिकल क्लास का आराम से पढ़ो, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है घर पे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। अब एक आगे छोटा सा टॉपिक पढ़ लो, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इक्वी मतलब बराबर, पोटेंशियल एक ऐसा सरफेस जहां का पोटेंशियल इक्वल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम उसी को बोल रहे हैं। कह सकते हैं विच सरफेस एट विच पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे कोई चार्ज होगा, उस चार्ज के कारण पोटेंशियल हम कहीं पे जाके निकाले तो सेम ही आने वाले हैं कुछ वैल्यू का। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है छोटा सा, अब इससे आर डिस्टेंस पे जाके हम यहाँ पोटेंशियल निकालें तो वैल्यू कितना आएगा, 1/4πε(q/r) पढ़े हो पीछे। अब इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे जाके आप कहीं भी निकालो, मीन्स कर सकते हो कि यहाँ से एक स्फेयर जो ऐसे आप बनाओगे, इस स्फेरिकल डिस्टेंस पे आप कहीं भी जाके निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे जाकर के आप पोटेंशियल निकालोगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज वही है, डिस्टेंस सबके लिए रेडियल डिस्टेंस आर ही है, तो सबका पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4πε(q/r)। मीन्स कह सकते हैं इस चार्ज के लिए ये जो एक स्फेरिकल सर्फेस बना हुआ, सर्कल नहीं है स्फेयर है, 3D फिगर स्फेरिकल सर्फेस जो बना हुआ है, एक ऐसा सर्फेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सर्फेस। दूसरा देखो, जैसे मान लो कि एक ये लाइन चार्ज है, एक चार्ज रॉड है, एक कुछ चार्ज रॉड है, अब इस रॉड के कारण हमें इक्विपोटेंशियल सर्फेस ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेस, अब यहां से r डिस्टेंस पे जाके तुम कहीं से भी चार्ज है या डिस्टेंस r लोगे, सेम पोटेंशियल निकल के आएगा। तो यहां पर जैसे r डिस्टेंस पे जाके तुम पोटेंशियल सर्च करने की कोशिश करोगे तो समथिंग यहां पर तुम्हें कुछ एक सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगा, मतलब एक चार्ज रॉड के कारण सिलेंड्रिकल शेप का होता है इक्विपोटेंशियल सर्फेस। मींस हम पॉइंट के रूप में कह सकते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस अराउंड स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप क्यों होंगे, और due to line charge equipotential surface are of cylindrical। ये cylindrical shape का आएगा और यहाँ spherical shape आएंगे point charge और line charge के कारण सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर, एक और नोट पे काम करो, तो नोट करके चीज और देख लो, इंपॉर्टेंट है मेरे पूरे क्लास में, नोट मतलब समथिंग स्पेशल, केयरफुली देखोगे। पीछे एक्सप्रेशन बताए थे मैग्नीट्यूड में, ई इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर, अगर डी वेरिएबल फंक्शन हो डिस्टेंस का, ई इंटेंसिटी हो, एक्चुअली रिलेशन हम दिखाए थे वेक्टर फॉर्म में, ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, जहां से डी वी बाई डी आर को हम लोग बोल के आए थे
ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं बट पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो E equals minus dV by dr का फॉर्म आता है वेक्टर फॉर्म में, बट अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड में E equals dV by dr। अब डिफरेंशिएशन ऐसे जानते होंगे कि किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अगर भी कॉन्स्टेंट हो तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, जीरो, मतलब इंटेंसिटी जीरो। तो हम उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है देन पोटेंशियल डेफिनेटली क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म होंगे। इफ इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज जीरो देन पोटेंशियल मस्ट बी कॉन्स्टेंट। पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा तभी इंटेंसिटी जीरो हो पाएगा। कारण भी कर सकते हो बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज जीरो। कॉन्स्टेंट टर्म के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, जीरो। दूसरा पॉइंट देखो, इफ पोटेंशियल जीरो हो जाए, अगर हम पोटेंशियल को ही जीरो कर दें, मींस पोटेंशियल जीरो, तो जीरो का क्या होगा डिफरेंशिएशन, जीरो। जीरो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन फिर से जीरो। मींस इफ पोटेंशियल जीरो देन इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो। ध्यान से देखना दोनों पॉइंट बहुत बारीक फर्क है। अगर इंटेंसिटी जीरो है तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल जीरो है तो इंटेंसिटी डेफिनेटली जीरो होगा। मतलब हम कह सकते हैं दैट इफ पोटेंशियल इज जीरो देन इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो, बट इफ इंटेंसिटी इज जीरो then potential may or may not be zero। may not be zero इसलिए बोल रहा है, यहाँ पर constant term बोल रहा है, zero भी एक constant है, तो may भी possible की हो सकता है, zero के अलावा दूसरा कोई constant हो, दो चार पांच पच्चीस पचास negative positive कुछ भी, तो आखिर है तो constant, लेकिन उस केस में क्या है, zero नहीं है। तो जीरो भी एक कॉन्स्टेंट है, इसके समय मतलब जीरो हो भी सकता है, बट डेफिनेटली सर्टेनली नहीं जीरो होगा ही होगा, लेकिन अगर पोटेंशियल जीरो है देन इंटेंसिटी मस्ट जीरो होना ही पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को रखोगे अपने पास। चलो एक और क्वेश्चन, किसी फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन करो, जैसे मिला दो अब हम कहें कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वेरिएशन इफ v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इफ v इक्वल्स टू इतना वेरीज विथ x देन find the intensity at कुछ भी point x equals to 2 meter, x बराबर 2 meter पे जाके मुझे intensity निकालनी है। हम intensity का केवल magnitude मान रहे हैं, maximum के sense में बात नहीं कर रहे, IJK के term में नहीं, हम केवल एक magnitude मान रहे हैं। तो magnitude में क्या होता है, ये काम केवल magnitude मांग रहे हैं, magnitude E का मैग्नीट्यूड क्या होता है, dv by dr, बट यहां पर r के रूप में क्या है, एक डिस्टेंस है x, बट वेरिएबल इज x, इसलिए यहां पर हम E का वैल्यू क्या लिखेंगे,
dv by dx, अगर वेरिएबल y का फंक्शन होता तो dv by dy लिखते। यहां r मतलब जस्ट एक डिस्टेंस, किस डिस्टेंस मतलब किस वेरिएबल का फंक्शन है उसी को यहां यूज करते हैं बस। तो dv by dx मींस कुछ नहीं, इस d वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है e = कर दो डिफरेंशिएशन 3x² + 5x + 9 का x के रिस्पेक्ट में। e cos 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस हाई कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ h dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 9 3 x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n इनटू x टू द पावर n माइनस 1, इसी फॉर्मूला का यूज करो, क्या होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये कारण कितना आ गया 6x प्लस 5, बट हमें e का वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे मांग रहा है इसलिए e एट x बराबर 2, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है e स्लैश x बराबर 2 मतलब इंटेंसिटी एट x बराबर 2 डाल दो वैल्यू 6 इनटू 2 प्लस 5 हमारे पास 17 न्यूटन पर कूलम। तो जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोले तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन डिफरेंशिएशन ओवर होने के बाद वो पॉइंट लौटाएंगे, पहले ही पॉइंट में लौटा देना अदरवाइज ये फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू आ जाएगा 0, पहले डिफरेंशिएट।